नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शकरपुर का संग्राम। बस्ती जो कभी बसी तो कभी उजड़ी। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की शकरपुर बस्ती की, जहां रेलवे ने ना सिर्फ बस्ती पर बुलडोजर चलाया बल्कि अपनी लापरवाही से ली एक मासूम की जान। पेश है हमारी ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय मौजूद है मोहम्मद निशार, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी। आइए उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। यहाँ जो है हम लोग जुमा पढ़ने पर रहे थे और रुकू में गए और वहाँ जो है नोटिस चिपकाया गया है और यहाँ कोई आदमी नहीं जाना है। उसके बाद काफ़ी संख्या से 12:03 में यहाँ झुकी काफ़ी संख्या से पुलिस से तोड़वाया गया है। शकुरपुर की ये घटना अब ये दिखाती है कि खुले आसमान के नीचे वक्त गुजर बसर करने पर मजबूर है ये मासूम। रेलवे ने इन पर अचानक से बड़ा कहर बरपाया जब अचानक से रेलवे का बुलडोजर इस बस्ती पर चला। इस कार्यवाही ने इनका सब कुछ छीन लिया, इनके सर से छत भी चली गई, जो कुछ जिंदगी भर की कमाई थी वो भी उजड़ गई। आज खाने का ठिकाना नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में इनके साथ कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब बस इनकी आस सरकार और प्रशासन से है, लेकिन वो आस और उम्मीद टूटती सी नजर आ रही है। ऐसा हुआ कि हम लोग जुमा पढ़ने गए थे, जुमा पढ़ने के टाइम आया नोटिस साट दिया, हम लोग को पता नहीं चला। शाम को ये पता चला कि झुग्गी टूटेंगे, हम लोग विश्वास नहीं किए। ठंडी का मौसम था और ठंड के मारे कोई उतना ही नहीं कर पाया। करीब 10 से 11 बजे तक में ये पुलिस वाले आ गया, भगदड़ मच गया यहाँ पे। सामान उठाने में एक बच्ची मर गए, उस पर बच्ची पे सामान गिर गया। उसके बाद किरान 11 बजे से लेके 6:30 से 7 बजे तक के वो तोड़ता रहा। ये 10 बजे करीब हम लोग जान रहे थे सुबह में कि झुग्गी टूटेगी, पर हम लोग को पता नहीं था कि झुग्गी टूटेगा। ठंडी का मौसम है, इतने मौसम में तो झुग्गी टूटेगी नहीं। पर फिर जब बच्चे लोग आए भाग भाग के कि किरान आ रहा, 10 गाड़ी पुलिस इस सामने आ गया, सब पुलिस वाले के हाथ में लाठी था, हम लोग देख के घबरा गए। फिर उसके बाद पता चला कि बच्चे का मौत हो गया, तो हम लोग बच्चे के तरफ देखने गए, कोई सामान ना उठा सके, हम लोग का सारा सामान बर्बाद हो गया। ये दुकान लगा रखे थे, दुकान भी सारा खत्म हो गया। दूसरे बस्ती वालों की तरह अनवर का भी सब कुछ छिन गया। जो कमाया था, जो तिनका तिनका जोड़ा था, उसे एक पंजे ने बेरहमी से उजाड़ दिया। अनवर अपने परिवार के लिए छत का जुगाड़ तो फिर से कर ले, लेकिन वो दर्द जो उस घटना ने, वो शायद ताउम अनवर और उसके परिवार वालों को नहीं भूलेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ उस पिता के साथ जिन्होंने अपनी बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को खोया। आइए जानते हैं कि रेलवे के इस अतिक्रमण के दौरान उनके साथ हुआ क्या था। मैं मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची की मौत हुई थी जब यहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स से आए हुए थे, जो बहुत ज़्यादा भगदड़ सा मचा हुआ था, जिसमें कि हमने एक रूम से दूसरे रूम में हमने सामान वामान निकाले थे और दूसरे रूम में हमारी बच्ची सोती थी। और 5-10 मिनट के बाद जाकर देखी हमारी बीवी ने, तो उस घर में बच्ची के ऊपर सामान गिरा हुआ था। उसने मेरे को बताया तो मैंने लेकर उसको महावीर हॉस्पिटल गए, वहाँ ने डॉक्टर ने देखा तो कहा नहीं ये बच्चे मर चुके हैं। तो फिर उधर से मैं घर लेकर के आ रहे थे और रेलवे कॉलोनी के कोने पे से जो पावर हाउस बिजली के, वहाँ से हमें 6-7 पुलिस वाले पकड़ करके संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर के गए। भारत जहाँ लोगों के लिए लोकतंत्र है, उसी भारत में शकरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां 10 साल से भी ज़्यादा रह रहे भारतीय नागरिकों के नाम पर वोट बटोरने के लिए वोटर आईडी कार्ड तो है, लेकिन लोगों को सुविधाएं देने के लिए राशन कार्ड नहीं है, जिस कारणवश सरकार की सुविधा इन बेबस लोगों को इस बुरे हालात में भी नहीं मिल पा रही है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता विजय से वहां का हाल। जहां बीमार लोगों के लिए ना तो सर्द हवाओं से बचने के लिए छत है और ना ही खाने के लिए दाना। प्रशासन के कागजों में नाम ना होने के कारण लोग बुनियादी चीजों से भी वंचित हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इसराइल जी, जिनसे हम जानते हैं कि उनका झुग्गी का सर्वे अभी तक क्यों नहीं किया गया है। भैया आपका अभी तक सर्वे क्यों नहीं हुआ? ये उन्होंने अपने मन से भाग गया, नहीं होगा तो पाए ला फलना ला सब बोला, तब हमने तो आपके पास जब सब कुछ राशन कार्ड बोला। हमेशा की तरह इस घटना के बाद बड़े बड़े राजनेताओं ने भी तुरंत शकुरपुर बस्ती का रुख किया। वादे और दावे तो ऐसे किए गए मानो इनका दुख खत्म करने के लिए कोई फरिश्ता आ गया।
लेकिन ये दावे और वादे हमेशा की तरह राजनीतिक ही साबित हुए। ये वही बस्ती है जहां एक दिन पहले जिंदगी रफ्तार से दौड़ती थी, लेकिन आज यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों में आरोप और प्रत्यारोप का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ये काम किया है। अब देखिए, अब ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो भी सत्ता और जो भी लोग अहंकार के नशे में चूर हो जाते हैं, अहंकार का तो रावण का भी नहीं छोड़ा था भगवान ने, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और दिल से उनके लिए बहुत ही बद्दुआ निकल रही है जिन लोगों ने भी ये किया है। तो यहाँ के डीएम को हम सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ के एसडीएम को अभी सस्पेंड कर रहे हैं, अभी सस्पेंशन ऑर्डर आपके सामने। मैं यहाँ पे अभी सस्पेंशन ऑर्डर आपके सामने साइन करके जाऊंगा ताकि सारे ऑफिसर्स को ये पता रहे कि अब ये ना ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब जो है वो सर्दी के अंदर रहें और ऑफिसर जो है वो अपनी रजाई में दुबक के रहें। ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट शकरपुर का संग्राम। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़।